इस मंदिर में ये मान्यता है कि जो 41 दिन तक रेगुलर दीपक जलाता है या दर्शन करने आता तो 99% मनोकामना पूर्ण होती है। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरमे देवो सर्व कार्येषु सर्वदा। जबलपुर में अति विशाल काय गणेश प्रतिमा स्थापित है सुप्तेश्वर गणेश मंदिर में, जहां पे आपको अति विशाल काय प्रतिमा में बड़े मनमोहक गणेश जी देखने को मिल जाएंगे। जबलपुर के मदन महल क्षेत्र में स्थित रतन नगर का ये सुप्तेश्वर गणेश मंदिर जबलपुर वासियों के बीच बेहद प्रसिद्ध है और गणेश जी के पर्व गणेश चतुर्थी में तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है श्रद्धालुओं की। स्थानीय निवासी से बातचीत के दौरान इतिहास जानने का प्रयास किया तो पता चला कि सन 1985 में सुधा राजे जी को एक स्वप्न आया था, जिसमें बताया गया कि गणेश जी की विशालकाय प्रतिमा उन्हें यहाँ स्थापित करनी है। तो मदन महल के रतन नगर क्षेत्र में इस ऊँची पहाड़ी में उन्होंने ये प्रतिमा स्थापित करवाई। और आपको एक खास बात और बता दें कि गणेश जी का ये रूप कलयुग में कल्कि अवतार के रूप में पूजा जाता है। गणेश चतुर्थी का पर्व आने ही वाला है और गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक 10 दिनों में यहाँ पर भक्तों का हुजूम उमड़ता है और इस विशाल काय कल्कि अवतार के गणेश जी का दर्शन करने भक्तगण दूर दूर से पहुँचते हैं जबलपुर। विघ्नहर्ता गणेश के सुप्रसिद्ध मंदिर में चारों तरफ प्रांगण बहुत बड़ा बनाया गया है, जहां पर आपको झूले और एक्सरसाइज के बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे। इस सुप्तेश्वर गणेश मंदिर में गणेश जी की इस विशाल प्रतिमा के अलावा भी और भी कई मूर्तियां स्थापित हैं, जिनमें देवी जी की अनेकों मूर्तियां हैं और आपको गणेश जी की अलग अलग मूर्ति भी देखने को मिल जाएंगी, जिसमें ये घोड़े पर सवार गणेश जी भी काफ़ी आकर्षक लग रहे हैं। साथ ही महादेव भी आपको देखने मिल जाएंगे। और आपको एक बात और बता दें कि चारों तरफ का माहौल काफ़ी हरा भरा रखा गया है, ताकि जो भी श्रद्धालु आएँ बिल्कुल भक्ति के माहौल में रम जाएं और एकांत वातावरण में पूजा कर सकें विघ्नहर्ता गणेश की। महाराज की जय। मैं विजय गणेश जी की स्थापना 89 में हुई है। जिस स्वप्न में गणेश जी ने उनको सुधे राजे सिंधिया जी को स्वप्न दिया था कि मेरी स्थापना करनी है, उनके प्रयासों से तो पता लगाया गया कि कहाँ पर हैं आप, मार्ग ढूंढते ढूंढते फिर स्थापित मिलिए तो फिर उनको स्थापित किया गया। तो ये कल्कि का रेश अवतार हैं और आगे में सिंदूर होता है और पीछे वाइट सीमेंट होती है। फिर मदन महल के पास गुलाटी पेट्रोल पंप के पास है सुप्तेश्वर गणेश मंदिर और इधर पर 10 दिन का पर्व होता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग भक्त आते हैं और प्रतिदिन पूजा पाठ महाआरती अभिषेक और भंडारे होते हैं। तो वैष्णो माता है, शंकर जी हैं, हनुमान जी हैं, राधा कृष्ण का मंदिर है, शनि महाराज का मंदिर है। और अभी कौन संचालन कर रहा है यहाँ का? यहाँ पे SDM संचालन कर रहे हैं। अच्छा, SDM जो है वो देख रेख करते हैं।